इस तरह के डिजाइन को बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें जो अपना पेपर है वो पोर्ट्रेट से चेंज करना होगा लैंडस्केप में। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ आइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ये जो हमारा पेपर है जो अभी दिखाई दे रहा है वो अभी हमारा है पोर्ट्रेट व्यू के अंदर। इसको कन्वर्ट करेंगे लेआउट में जाके, यहाँ से ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर देंगे, तो ये पेपर अंदर फ्लिप कर जाएगा और ये रोटेट होके लैंडस्केप मोड में आ जाएगा सामने से, मतलब जो इसकी विड्थ थी वो हाइट हो जाएगी, जो हाइट थी इसकी वो विड्थ हो जाएगी। दोबारा से इसको पोर्ट्रेट करना हुआ यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको इस तरह करने के बाद स्क्रीन पे एडजस्ट कर लें और फिर उसके बाद अब इसको डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो पहले देखें इसके अंदर एक शेप है ये वाला, इस शेप को कैसे बनाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे शेप्स पर। इसके बाद इंसर्ट में जाके जैसे हम शेप पर क्लिक करेंगे ये एक शेप हम इसका ड्रॉ कर देंगे। जब हम शेप को ड्रॉ कर चुकेंगे तो हमने क्या करना है, इसको पकड़ के यहाँ पे रख देना है, यहाँ से इसको इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ पे एरिया को कवर करना है। मेक श्योर के चारों तरफ से स्पेस इक्वल इक्वल रहे, कहीं पे कम ज्यादा ना हो, ताकि डिजाइन में थोड़ा सा चेंज ना आए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है इसके अंदर एक पैटर्न डालना है। तो शेप फिल में जाएंगे, टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, मोर टेक्सचर पे चले जाएंगे, यहाँ से पैटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह का पैटर्न ये देखिए मिल जाएगा। उसके बाद जब ये पैटर्न मिल जाए तो कलर स्कीम को थोड़ा सेट कर लें, जैसे ब्लू में करना है, ग्रीन में करना है, ये ब्लू में है तो इसको ब्लू में कर दें और उसके व्हाइट बैकग्राउंड को व्हाइट ही रहने दें। इसकी आउटलाइन को थोड़ा थिक करना है तो यहाँ क्लिक करके इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा थिक कर लें, फर्दर थिक करना है तो इस तरह थिक कर लें। इसके बाद अब आते हैं कि ये जो इसके ब्लू बार्स हैं ये किस तरह से बनेंगी। एक बार बनाने के लिए हमें इंसर्ट में जाना होगा, स्टेप पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से इसको जूम आउट करके इसको इस तरीके से एक बार मांग रहे हैं, ठीक है। इसको क्लिक करके यहाँ से हम एक बार लगा देंगे इसके ऊपर और इस बार पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम एक बार को इस तरह से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे बार जो है 1 2 3 4 है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक बार रखी, कंट्रोल डी करके एक दूसरी बार ले लेंगे यहाँ से और ये दूसरी बार आ गई जिसको ई के डिस्टेंस के मुताबिक हम यहाँ पे सेट करते चले जाएंगे। फिर कंट्रोल डी करेंगे, फिर यहाँ से तीसरी बार को रखेंगे यहाँ पे और फिर कंट्रोल डी करेंगे और फिर चौथी बार को हम यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है एक डार्क के बाकी लाइट है, तो उसके लिए जो लाइट वाली है उनको क्लिक कर करके लाइट कलर दे देंगे यहाँ पे, जैसे कि इस तरह का कलर, और आउटलाइंस को हम उनके नन कर देंगे। तो ये काम एक साथ भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ जो जो लाइट करनी है उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको सेलेक्ट करके यहाँ से एक कलर फिल करेंगे। और इसको एक अलग कलर दे देंगे और इसको एक अलग कलर तो दिया हुआ ऑलरेडी। अब उसमें करना है कि ये आगे रखना है, बाकी पीछे भेज देना है। तो इसको राइट बटन दबाएंगे, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ये आगे आ जाएगा। और उसका राइट बटन दबाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ये इसके भी आगे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके हमने इसका भी एक डुप्लीकेट ले लेना है कंट्रोल डी करके, तो इसी कलर का एक यहाँ पे भी लगाना है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट कलर का है। तो इसको शेफ फॉर्मेट में जाके यहाँ से जाके इसको भी कलर दे देंगे और इसको भी अगर पीछे भेज जाएं तो इसका राइट बटन दबा के सेंट बैक कर देंगे, ताकि इस तरीके से आपको नज़र आए। उसको उठा के थोड़ा सा यहाँ कर लेंगे, ये इस तरह से नज़र आए। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ से दो शेप्स क्रिएट कर लें, इंसर्ट में जाएंगे, पहले अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके मोर ऑप्शन में जाके ब्राउज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके वर्ड फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ से जाके हमने वर्ड शेप असाइनमेंट में चले जाते हैं तो जाके हमने उसे सेव कर दिया क्लास 7 के नाम से और क्लास 7 में उसका रख दिया एम्प्लॉय सर्टिफिकेट रख दिया करंट सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया। अब उसके बाद ये दो शेप हमने इसके ऊपर क्रिएट करने हैं, तो एक शेप ले लेंगे यहाँ से, उसके बाद क्लिक कर लेंगे यहाँ पर और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। जब तो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर रखना है इसको, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ी सी हाइट इसकी स्टम्बर इसको कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं शेप फिल में। अच्छा, यहाँ पर से पूरी थीम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको कलर पे फोकस करें, क्लिक करें यहाँ पर, यहाँ से ब्लू कलर दे दें, डार्क ब्लू, इसका आउटलाइन ख़त्म कर दें और फिर इसके बाद इसको जो है थोड़ा सा कम कर लें यहाँ पे, इतना रहेगा। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करें बिल्कुल, इसको सीज में इसके शिफ्ट के साथ बटन दबा के ले जाएं और यहाँ से ऑफ कर दें और इसको कहाँ तक रखना है ये इसको थोड़ा आगे रहेगा, क्लिक करके इसको यहाँ पर रख लेना। अब आपको जैसे थोड़ा सा ये मुखालता होगा कि सर ये बराबर है या नहीं, तो
इनको बराबर करने के लिए एक ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करें, शेफ फॉर्मेट में अलाइन में, तो देखें अलाइन टॉप बॉटम या मिडल कोई भी ले, बॉटम कर देते हैं, तो अगर ये ऊपर नीचे थे तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अब इसको इसके साथ सेट करना है, तो एडिट पे जाके फर्दर एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करके कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाके फॉर्मेट शेप पे हमने क्लिक किया, एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे ये पॉइंट्स आ जाएगा, इसको पकड़ के पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा। एडिट पॉइंट्स करने से एक एक पॉइंट को अलग अलग करके हम सेट कर सकते हैं, और फिर ये मामला इसके अंदर जो हमें फिट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर लेना, इसमें यहाँ पे टाइप कर लें डिप्लोमा, ठीक है, और उसको उठा के यहाँ से बीच में से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के लिए कंट्रोल ए कर लें, थोड़ा फॉन्ट अगर बोल्ड यूज करना है तो बोल्ड कर दें, इसको इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लें, और जैसे शेप का डुप्लीकेट लेते या फिर अलग से बनाए, उस पर लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, तो फॉन्ट साइज को कम कर लेना है, तो डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। लिखने के बाद आपने इसके ऊपर उठा के इस तरीके से फिक्स कर देना है, ठीक है। और थोड़ा जूम कर लें, अगर थोड़ा बड़ा करना है फॉन्ट को तो ठीक है, थोड़ा सा 13 का कर दे, इस तरह से नजर आएगा, और ये इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर देना, ठीक है। तो ये डिप्लोमा के ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट से लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी इसमें वजह है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको लाइन ड्रॉ करनी है, तो इंसर्ट पे जाके ये आपको यहाँ पे दो तरह से लाइन है, लाइन भी है, लाइन ड्रॉ करनी है ये लाइन ले लें, यहाँ से क्लिक करके किस तरह से सेंटर लाइन है, तो इंसर्ट और लाइन ली आपने यहाँ से, और इसके लिए आपने यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन की थिकनेस को यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी बारीक होनी चाहिए, तो देख लेते ये वाला साइज सेट है, इसका कलर भरना है, तो यहाँ से किस कलर की होनी चाहिए, ये कलर भी हमने दे दिया, तो इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद ये छोटा मोटा एक लोगो बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए अब दो लाइंस यहाँ पे लगानी है, उसका डेट और सिग्नेचर लिखना है, यहाँ पे एक पैराग्राफ डालना है, यहाँ पर अपना नाम और टेक्स्ट लिखना है, तो ये सारे काम आप करेंगे वर्ड आर्ट से। कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, बल्कि इसी को ले लें या क्लिक करें इसके बॉर्डर पर, जबकि डुप्लीकेट जब बनाना होगा ना तो क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर मूव करना है तो भी यहाँ से पकड़ेंगे लाइन से, एडिट करना है तो बीच में क्लिक करेंगे। चलिए एक और दफ़ा देखें वर्ड आर्ट बना लेते हैं यहाँ पे कोई इस तरह का, ये ले लेते हैं वर्ड आर्ट, तो यहाँ पर एक नया वर्ड आर्ट आके क्लिक किया, यहाँ पे इसका क्या लिखना है, मैं अब इसमें नाम लिख देते हैं, अपना लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने एक नाम, सेलेक्ट ऑल कर लिया, होम में चले गए, यहाँ से इसका फॉन्ट जो है मैंने चेंज कर लिया, किस तरह का फॉन्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पे, इस तरह के फॉन्ट को यहाँ पे आप डाल दीजिए, ओके। इसके बाद फॉन्ट साइज को थोड़ा सा अगर इंक्रीज करना है तो मजीद इंक्रीज कर लें, थोड़ा बड़ा करके दिखाना है तो इसके यहाँ पे इस तरह से दिखा दें, और कलर्स वगैरह के कॉम्बिनेशन को चेंज करना है, यहीं से कॉल कलर्स चेंज हो जाएंगे, इसके जो कलर रखना चाहें इसके ऊपर, ठीक है। बाकी नीचे वाले जो हिस्सा है उसके अंदर आपने कुछ टाइप करना है, तो एक शेप बना लें नीचे ये इस तरह से, और उसमें कोई भी एड टेक्स्ट कर लें, और उसमें कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले लें, या रैंडम टेक्स्ट शेप को खाली करके ट्रांसपेरेंट कर दें। कैसे करेंगे, नो फिल करेंगे, आउटलाइन को जाके नो आउटलाइन करेंगे, टेक्स्ट को जाके ब्लैक कर देंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ब्लैक कलर ले सकते हैं फॉन्ट का कलर का, ठीक है, वरना वो व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं ना, इस वजह से नो फिल नो आउटलाइन, ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ भी फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसका बढ़ा सकते हैं, अलाइनमेंट टेक्स्ट करना जस्टिफाई, तो ये देखिए इस तरह से आपको नजर आएगा। और फिर उसके ऊपर एक और लिखा है, जिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू तो इस तरह से कोई भी सर्टिफिकेट बना के किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉई को आप दे सकते हैं, और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से रिड्यूस कर लें, करा गया, ठीक है। अब रह गया वो नीचे वाला मामला, उसको किस तरह से करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ये किस तरह से शेप दूसरा शेप में बना हुआ है देखिए वो चले,
इसको बनाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, पहले आप यहाँ से एक सर्किल ले लें, ये हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक है। इस सर्किल को उठा के सेंटर में सेट करना, कैसे करेंगे, पोजीशन बिल्कुल सेंटर बॉटम बिल्कुल सेंटर में आ गया। उसके बाद इसको 32 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दें, कैसे करेंगे, चेंज शेप, और यहाँ से जाके इसको 32 पॉइंट्स के अंदर चेंज कर दें। उसके बाद इसको जो पॉइंट में चेंज किया तो थोड़ा सा इसकी जो शार्पनेस है उसको कम कर लें, इसका डार्क ब्लू कलर दें, इसके आउटलाइंस को खत्म कर दें, इसको कंट्रोल डी करें, डुप्लीकेट बनाए इसका, इसको दोबारा चेंज शेप कर दें सर्किल के अंदर, थोड़ा साइज में कम करें, सर्किल में जाके व्हाइट कलर भर दें इसके अंदर, ठीक है। और आउटलाइन इसकी जो है वो देने की जरूरत ही नहीं है, नो आउटलाइन कर दें, ठीक है। चलो दे रहे हो तो वही वाली आउटलाइन दे दो, ये डार्क ब्लू कलर की, ठीक है, लेके ताकि कलर कलर से मिक्स हो जाए, इसके बीच में सेट कर दें, ठीक है। ये देखें इस तरह का शेप यूजली इस तरह से निकल आया, ये शेप निकल आया। तो फिर अंदर वाले शेप्स के लिए जो इसने किया हुआ है टेक्निक, हाफ सर्किल का बनाया है, इसके हिसाब से सर्किल का हाफ तो ऐसे बनेगा कि आप ये वाला शेप लें, ठीक है, और इसको ड्रॉ करें, उसके बाद इसको इसका हाफ कर दें, अभी परफेक्ट हाफ है तो सेट है। उसके बाद इसको यहाँ पर रख लें, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको छोटा करें, तो यहाँ से अच्छा, इसको बिल्कुल परफेक्ट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम उसको ऐसे बनाने के बजाय इसका ये वाइट वाला डुप्लीकेट करते और यहाँ लेके इसी को चेंज शेप करके हाफ कर देते, यहाँ से हमने चेंज शेप किया उसको हाफ कर दिया, और इसको पकड़ के ये इसको ओके, इसको थोड़ा सा साइज में कम कर लेते हैं और इसको यहाँ से इसको लागे रखते हैं। इसके बाद ये जो इसके साइज है थोड़ी थोड़ी और कम करनी पड़ेंगी, लेकिन ये बीच है फिर हो जाएगा, तो ऐसे ही रखें, कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे जाके रोटेशन में फ्लिप वर्टिकल करेंगे, तो जाके कुछ इस तरह का मामला बनेगा। फिर भी देखो थोड़ा सा टेढ़ा रह गया वो नीचे वाला, तो इस वजह से थोड़ा सा ये मामला ऐसा आ गया, डेप्थ कम नहीं हो रही इसकी, थोड़ा ही स्केच फॉर्मर में जाके साइज पे क्लिक करेंगे, इसकी विड्थ बढ़ा दें, ये कुछ बेहतर लग रहा है, तो एरो की से थोड़ा एडजस्ट कर लें, हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क है इसमें, पर ये के वर्ड में ऐसे ही बन सकता है, इससे बेहतर के लिए फिर हमें लोगो बनाने वाला सीखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जिससे हम लोगो बनाते हैं, प्लस वर्टिकल करें इसको यहाँ पे और उसको ले जाके यहाँ पे लगा दें, ठीक है, ये कुछ बेहतर हो जाएगा इससे, तो इस तरह का मामला इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके अंदर बीच में लिखा सर्टिफाइड वगैरह, तो उसके लिए फिर आप क्या करें, वही काम करें जो यहाँ से आपने टेक्स्ट लिया है, दोबारा वर्ड आर्ट से ले लें, जैसे ये ले लेते हैं, कंट्रोल डी कर दिया इसका डुप्लीकेट, और ले आओ, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करें, यहाँ से इसके साइज को रिड्यूस कर दें, अब इसको बीच पर रखें और कम करते जाएं, इसको देखें कहाँ पे फिक्स हो रहा है, इसके साथ थोड़ा ज़ूम कर लें, फोर्टीन पे कर दो, तो ये देखें होना चाहिए। अब ये सारे जो मिलाए हैं बनाए हैं आपने, एक एक करके पहले दो को सिलेक्ट करें, काफी सारे शेप्स हो गए ना, इनको आप ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम एक को सिलेक्ट करेंगे शेप के साथ, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, तीनों को सिलेक्ट कर लिया, चौथा भी सिलेक्ट हो गया, पांच का भी सिलेक्ट हो गया, सबको जाके शेप फॉर्मेट में ग्रुप कर दिया।
इसका फायदा ये होगा कि मूवमेंट करने में आसानी रहेगी, इसको आगे पीछे करने में, ठीक है ना, मूव करने में आसानी रहेगी। अब उसमें एक तो गायब ही हो गया, इसको तो दो दो करके ग्रुप कर लें इसको, ठीक है ना, ज्यादा ग्रुप ना करें, पहला एक ले लें, फिर अंदर वाला ले लें, फिर इनको दो को पहले ग्रुप कर लें, तो निकल के बाहर चला जाते हैं। नहीं करें ग्रुप अपने पास करके देखिए, ठीक है, हालात तो सही है।